यंग बॉयज एज्युकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सर्कल धुळेच्या वतीने प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्याध्यापकांतर्फे शुभेच्छा। प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर यंग बॉयज एज्युकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सर्कल धुळेच्या वतीने मुख्याध्यापक समशुल हसन मोहम्मद गुफरान यांच्यातर्फे धुळे जिल्ह्यासह देशातील नागरिकांना शुभेच्छा देण्यात आले आहे। तसेच धुळे जिल्हा पोलीस प्रशासनातर्फे 4 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मॅरेथॉन संदर्भात देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी सर्वच भारतीय सज्ज झाल्याचे पाहायला मिळत आहे। भारतात दरवर्षी 26 जानेवारीला मोठ्या उत्साहात प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो। यावर्षी भारत आपला 74वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार आहे। या दिवशी आपल्या देशात सार्वजनिक सुट्टी घोषित करण्यात आली आहे। 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान लागू झाले होते। भारताचा स्वातंत्र्य दिन ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाल्याचा उत्सव म्हणून तर प्रजासत्ताक दिन संविधानाच्या अंमलबजावणीचा उत्सव म्हणून आपण साजरा करतो। या दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर यंग बॉईज एज्युकेशनल अँड इंडस्ट्रियल सर्कल धुळेच्या वतीने मुख्याध्यापक समशुल हसन मोहम्मद गुफरान यांच्यातर्फे शुभेच्छा देण्यात आले आहे। धुळे क्राइम न्यूज साठी अब्दुल रहमान मलिक धुळे। मेरा नाम समशुल हसन मोहम्मद गुफरान है। मैं यंग बॉयज एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सर्कल संचालित इस्लाहुल बनात उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस में मुख्याध्यापक तथा प्राचार्य हूँ। अगले दिनों 26 जनवरी 2024 हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक खुशी का दिन आने वाला है, जो एक हमारा सरकारी त्यौहार भी है। इस दिन के सामने रखते हुए मैं तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुबारकबाद अदारा यंग बॉय एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सर्कल और अदारे के तहत जारी तमामी स्कूलें और ख़ास करके इस्लाहुल बनात उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस की जानिब से दी जा रही है। इस्लाहुल बनात उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस के तमाम ही जुमला स्टाफ और बच्चों की जानिब से, उनके पेरेंट्स की जानिब से तमाम देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस पुरमुसर्रत मौके पर मैं पूरे देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में प्रगति करना है तो हमें एकता और अखंडता से काम लेना पड़ेगा। तमाम भारतवासी एक रहें, अखंड रहें और भारत की जो एकता की जो बुनियाद है उसको कायम रखें। इसी तरह धुलिया पुलिस दल की तरफ से 4 फरवरी के रोज़ धुले मैराथन स्पर्धा जो होने जा रही है, तो मैं पूरे धुलिया शहर के लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस स्पर्धा में शामिल हों और धुलिया की तमाम स्कूलों के मुख्याध्यापक शिक्षक और विद्यार्थियों से गुजारिश करूँगा कि इस मैराथन में शामिल होकर अपनी सेहत का सबूत दें।